2,10,000 की स्मैक के साथ दो तस्कर अमोला पुलिस के हत्थे चढ़े। नशे के खिलाफ अवैध कारोबार में लिप्त तस्करों की धरपकड़ की कार्रवाई के तहत अमोला पुलिस ने दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी स्मैक तस्कर करेरा क्षेत्र सिरसौ चौराहे और अमोला के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम अमोला थाना प्रभारी अमित चतुर्वेदी को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवपुरी झांसी फोरलेन अमोला क्रशर स्थित कुशवाहा होटल के निकट दो युवक स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमित चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मुखबिर के बताए स्थान कुशवाहा होटल पर पहुंचे। पुलिस को देख तस्कर सक पकाया और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश के लिए इधर उधर भागने लगा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनोहर सेन पुत्र बादाम सेन गोपाल पुत्र राम प्रसाद ओझा बताया। पुलिस टीम के द्वारा दोनों की तलाशी ली गई तो दोनों युवकों की पैंट की जेब से 2,10,000 कीमत की स्मैक बरामद हुई। वहीं तस्करों से टीवीएस मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं सराहनीय कार्यवाही में थाना अध्यक्ष अमित चतुर्वेदी विवेक भट्ट संदीप नागेंद्र सुनील धाकर पवन राकेश सिंगर राम नरेश की अहम भूमिका रही।